कहानी में आएगा 2 साल का लीप और लीप के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी अनुपमा और वनराज की जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक के बारे में, जहाँ पर अब कहानी में आने वाला है 2 साल का लीप और लीप के बाद आप देखेंगे कि अनुपमा बन जाएगी एक बहुत बड़ी डांसर और अनुपमा को मिलने वाली है बहुत ज़्यादा नेम फेम और शोहरत। तो वहीं दूसरी तरफ अब वनराज, जो कि नौकरी छोड़ के चला रहा था कैफ़े, अब वो भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाएगा बिजनेसमैन। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक देखना काफ़ी ज़्यादा होने वाला है इंटरेस्टिंग, जहाँ पर अनुपमा वनराज दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ऊँचाइयाँ छूने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब काव्या का हो जाएगा 2 साल के बाद बहुत बुरा हाल। काव्या को नहीं मिलने वाली है कोई भी नौकरी और अभी तक पिछले 2 साल से वो शाह हाउस में ही रह रही होगी और घर में लड़ाइयाँ लगवा रही होगी। अपकमिंग ट्रैक देखना काफ़ी ज़्यादा होने वाला इंटरेस्टिंग, जहाँ पर अब अनुपमा और काव्या की इतनी ज़्यादा ऊँचाइयाँ देखकर काव्या को होने वाली है बहुत ज़्यादा जलन और बार बार वो कोशिश करेगी कि अनुपमा और वनराज के हिम्मत को तोड़ा जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगी। वाले इस अपडेट पे क्या है आप सभी का रिएक्शन, कमेंट करके ज़रूर बताएं।